सो हेलो फ्रेंड, दिस इज द वॉय अभिषेक मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग यार बात करने वाले हैं कि आखिर एक क्लास 12th के स्टूडेंट के पास, एक साइंस स्टूडेंट के पास कौन से करियर ऑप्शन यार अवेलेबल होते हैं। तो पिछले एक वीडियो में ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर रखा है कि क्लास 10th का स्टूडेंट क्लास 10th पास आउट करने के बाद कौन से स्ट्रीम में उसको जाना चाहिए, वो साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, कौन से स्ट्रीम में उसको जाना चाहिए, किस तरीके से वो स्टूडेंट यार उस डिसीजन को ले सकता है, कौन सी मिस्टेक्स उसको नहीं करनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो में डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करने पर आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को जाकर के जरूर देखना है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे खासे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी चीजों को ध्यान रखना जरूरी है, कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए, दिमाग में कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स इन तीनों के बीच में आप अपना डिफरेंस चूज करते हुए एक राइट स्ट्रीम में चूज कर सकते हो। तो उस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि आखिर एक साइंस स्टूडेंट के पास कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं। आपके सामने एक क्लियर कट इमेज होना है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके सामने क्लियर इमेज होना जरूरी है कि आपके पास कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं, उस करियर ऑप्शन में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसका फ्यूचर क्या है, आगे आपको कितनी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, इन सभी चीजों के बारे में आपके पास एक क्लियर नॉलेज होना जरूरी है। तो इस वीडियो को बेसिकली मैं दो कैटेगरी के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं यार। सबसे पहले कैटेगरी के बच्चे जो प्रेजेंटली अभी क्लास 11th और क्लास 12th में है, उन्होंने साइंस स्ट्रीम लिया हुआ है, साइंस स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं। दूसरे कैटेगरी के बच्चे जो क्लास 10th में है, क्लास 10th पास आउट कर चुके हैं और अभी साइंस स्ट्रीम लेने के बारे में सोच रहे हैं, साइंस लेने से पहले उनको इन सभी चीजों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होना जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम इन सभी करियर ऑप्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इनके फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, आखिर आपको कितने करियर ऑप्शंस आपके पास होते हैं, प्रॉब्लम क्या है वो समझ जाते हैं। जब कभी भी हम किसी भी क्लास 12th अपीयरिंग बच्चे को भी पूछते हैं कि आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जनरली हर एक बच्चे के दिमाग में दो ऑप्शन सबसे पहले आ जाते हैं। आइदर वो बीटेक करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, या तो फिर एमबीबीएस करना चाहता है, मेडिकल करना चाहता है। इन दोनों करियर ऑप्शंस के अलावा भी कई सारे करियर ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी जरूरी है। तो जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, जितने भी रिनाउंड है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो एक एक करके इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी बच्चों को मैं तीन कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूंगा। सबसे पहले कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिन लोगों का मैथ्स की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर जिन्होंने पीसीएम रखा है। दूसरे कैटेगरी के वो बच्चे जिन्होंने बायोलॉजी रखा है, मैथमेटिक्स नहीं रखा है, जिन्होंने पीसीबी स्ट्रीम चूज किया हुआ है। और थर्ड कैटेगरी के बच्चे वो आते हैं जिन्होंने अभी तक डिसाइड भी नहीं किया है, वो मैथ्स और बायोलॉजी उन्होंने दोनों रखा हुआ है, पीसीएमबी कॉम्बिनेशन वाले बच्चे। तो इस तरीके से तीन कैटेगरी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, एक एक करके हर एक कैटेगरी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक अपना डिसाइड नहीं किया, वो बायोलॉजी की तरफ है या फिर मैथमेटिक्स की तरफ है, कौन से स्ट्रीम में आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो इन सभी करियर ऑप्शंस के बारे में डिटेल में एनालाइज कर सकते हो। आपके सामने सारे के सारे डोर्स ओपन है, तो इन सभी चीजों के बारे में आप यहाँ जा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग पीसीएम स्ट्रीम के बारे में बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स वाले बच्चों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला करियर ऑप्शन जो आपके सामने आता है वो है बीटेक इंजीनियरिंग। बीटेक इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स होता है, बहुत ही रिनाउंड कोर्स है, आप में से मैक्सिमम बच्चे इस चीज के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। इसके अंदर भी कई सारे ब्रांचेस आ जाते हैं, जैसे कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाता है, सिविल इंजीनियरिंग आ जाता है, केमिकल इंजीनियरिंग आ जाता है, सेरेमिक इंजीनियरिंग आ जाता है, कंप्यूटर साइंस आता है, आईटी आ जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ जाता है, कई सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। डिफरेंट कॉलेजेस यार आपको बीटेक का कोर्स अवेलेबल करवाते हैं, कई सारे गवर्नमेंट होते हैं, कई सारे प्राइवेट होते हैं। बच्चों का सपना होता है कि वो एनआईटी में जाए, आईआईटी में जाए, बिट्स पिलानी आ जाता है, मणिपाल आ जाता है, वीआईटी आ जाता है, कई सारे कॉलेजेस यार आपको बीटेक का कोर्स अवेलेबल करवाते हैं। इस चीज के बारे में ज्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप में से ज्यादातर बच्चे यार इस चीज के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। इसका एडमिशन है बेसिकली जी मेंस के पेपर 1 के बेसिस पे होता है। अगर आप एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो, ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेना चाहते हो, या तो फिर दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उस केस में यार आपके जी मेंस के पेपर 1 के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। वहीं पर अगर आप लोग यार आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पर यार आपके जी एडवांस के स्कोर को यार इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसके अलावा कई सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी अपना एडमिशन टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि आपके बिटसेट का एग्जामिनेशन होता है, ये सारे के सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस यार आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। तो आप इन सभी रास्तों से बीटेक का अपना कोर्स कर सकते हो, साइंस के बच्चे बीटेक के लिए इस तरीके से जा सकते हैं। दूसरा करियर ऑप्शन हमारे पास आता है वो है बी आर्किटेक्ट, यानी आर्किटेक्चर का लाइन। यहाँ पर यार ये कोर्स 5 साल का होता है, इसके लिए आपका जेई मेंस का पेपर 2 एग्जामिनेशन के स्कोर को देखा जाता है। आर्किटेक्चर लोग क्या करते हैं ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होगा, मैं उन लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली जब कभी भी हम लोग घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, या तो फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है, उसके लिए हमें एक लेआउट की जरूरत होती है, एक पर्टिकुलर प्लान की जरूरत होती है, वो प्लान हमारे आर्किटेक्चर लोग देते हैं। तो आज के जमाने में आर्किटेक्चर की बहुत ज्यादा डिमांड हो चुकी है, एक लेआउट एक डिजाइन के लिए आपको बड़े बड़े आर्किटेक्चर के पास जाना पड़ता है। तो उस केस में आप बी आर्किटेक्चर के लिए भी जा सकते हो, उसके लिए कई सारे बीटेक कॉलेजेस यार आपको बी आर्किटेक्चर का ऑप्शन देते हैं, कई सारे कॉलेजेस में ये अवेलेबल होता है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा है कौन से कॉलेजेस में एडमिशन है, और अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है वो यार बीबीए, यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली आपके मैनेजमेंट की तरह ही होता है, आपके बिजनेस को मैनेज करते हैं। बीबीए के बाद आप बिजनेस कंसल्टेंट, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इन सभी चीजों पर आप जा सकते हो। पर बीबीए के बाद जनरली बच्चे एमबीए कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ बीबीए के बाद आप एमबीए नहीं कर सकते, यहाँ पर आप बीटेक या फिर बी आर्किटेक्चर के बाद भी बच्चे एमबीए कर लेते हैं। यानी बीटेक के बाद भी आर्किटेक्चर के बाद भी बच्चे मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। यहाँ पर यार हर एक कंपनी में, बड़े से बड़े कंपनी में एक बिजनेस कंसल्टेंट होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है, एक मार्केटिंग मैनेजर होता है। बहुत ही अच्छी सैलरी होती है, बड़ा पैकेज होता है, बड़े से बड़े कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। एमबीए के लिए जनरली आपका कैट का एग्जामिनेशन होता है, आप इस चीज के बारे में आगे चल के सोच सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपके बैचलर की डिग्री लेनी जरूरी है। चौथा ऑप्शन जो आपके पास आता है वो है आपका जनरल बीएससी। जनरल बीएससी कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको जनरल डिग्री लेनी पड़ती है। जनरली बीएससी आपकी एक जनरल डिग्री होती है, आप किसी भी सब्जेक्ट में बीएससी कर सकते हो। यहाँ पर आपकी बीएससी फिजिक्स हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, मैथमेटिक्स हो सकता है, बॉटनी हो सकता है, जूलॉजी हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है, फॉरेस्ट्री हो सकता है, जियोलॉजी हो सकता है, इनमें से किसी में भी आप बैचलर डिग्री आप ले सकते हो। इसके बाद आपके पास कई सारे रूट से खुल जाते हैं, आप इनमें से किसी में भी जा सकते हो। पहला रूट आप फर्दर आके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, यहाँ पर आप अपने मास्टर्स डिग्री ले सकते हो, एमएससी कर सकते हो। मास्टर्स डिग्री बेसिकली आपके 2 साल के कोर्स होते हैं, उसके बाद भी अगर आप फर्दर पढ़ना चाहो तो आप पीएचडी कर सकते हो, 2 साल का कोर्स होता है। फर्दर यहाँ पर आप प्रोफेसर बन सकते हो, ट्रस्ट मी यार प्रोफेसर के काफी अच्छी सैलरी होती है, काफी डिसेंट लाइफ सेट होता है, तो यहाँ पर आप प्रोफेसर के लिए भी जा सकते हो। फर्दर आप अपनी स्टडीज को इंक्रीज कर सकते हो। जनरली बीएससी आपका 3 से 4 साल का होता है, ये कोर्स टू कोर्स वैरी करता है, आपने कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है, आप फिजिक्स में करते हो, एग्रीकल्चर में करते हो, फॉरेस्ट्री में करते हो, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये चीज वैरी करती है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आप अपना कोर्स कर सकते हो। अगर आप फर्दर स्टडीज नहीं करना चाहते हो, बैचलर के बाद ही कुछ करना चाहते हो, तो यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। इधर आप बैंकिंग के लिए जा सकते हो, रेलवे के लिए जा सकते हो, एसएससी के लिए जा सकते हो, यूपीएससी की अपनी तैयारी कर सकते हो, यानी एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन में आप जा सकते हो। कई सारे करियर ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर भी खुल जाते हैं। पांचवा करियर ऑप्शन जो हमारे सामने आता है वो है यार एलएलबी। आप एलएलबी के लिए भी जा सकते हो यार, आप अपने लॉ की डिग्री यार ले सकते हो। एलएलबी आज के जमाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, हर एक कंपनी में हर एक जगह पर यार एक लॉयर की जरूरत होती है, तो एलएलबी आप क्लास 12 के बाद भी ले सकते हो। इसके लिए आपका क्लैट का एग्जामिनेशन होता है, आप क्लैट के थ्रू यार एलएलबी कर सकते हो, या जनरली इंटीग्रेटेड होता है, 5 साल का कोर्स होता है। इसके अलावा भी यार आप बीएससी, बीकॉम, बीए या फिर बीबीए के बाद भी अपनी एलएलबी डिग्री कर सकते हो। एलएलबी की डिग्री आप अपने बैचलर डिग्री के बाद भी ले सकते हो, तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए आप अपने लॉ की डिग्री भी कर सकते हो, एलएलबी आपके पास एक करियर ऑप्शन आ जाता है। इसके अलावा एलएलबी में ही अगर आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एलएलएम और एलएलडी यानी मास्टर्स डिग्री और पीएचडी डिग्री के लिए भी आप आगे जा सकते हो, यहाँ पर भी आपको करियर ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पर मैंने एक चीज यार मिस कर दिया, यहाँ पर आप अपने बीटेक और बी आर्किटेक्चर के बाद भी आप अपने मास्टर्स डिग्री के लिए जा सकते हो, एमटेक के लिए जा सकते हो, एम आर्किटेक्चर के लिए जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको एक करियर ऑप्शन यार मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने यार मैथमेटिक्स स्ट्रीम वालों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया, जितने भी करियर ऑप्शन थे वो सारे के सारे मैथमेटिक्स वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, लेकिन जितने भी बच्चे कॉमन थे, जितने भी बच्चे पीसीएम ब्रांच के थे, वो सभी बच्चे भी उस स्ट्रीम को चूज कर सकते हो। उन सभी चीजों के बारे में आपको भी जानना है जरूरी है। अब हम लोग बायोलॉजी स्ट्रीम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर आप बायोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हो, बायोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम लोग कुल मिलाकर के 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहला कैटेगरी आपका मेडिकल साइंस होता है और दूसरा आपका पैरामेडिकल साइंस होता है। मेडिकल साइंस के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करें तो पहला कोर्स आता है आपका एमबीबीएस, दूसरा आता है आपका बीयूएमएस, उसके बाद बीएचएमएस, उसके बाद बीएएमएस, बीडीएस और आपका बीबीएस। ये सारे के सारे कोर्सेज यार आपके मेडिकल साइंस के होते हैं। इनमें से काफी कोर्सेज के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की ही तैयारी करते हैं, तो आपको इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी पता होगा। अगर हम लोग बीडीएस और बीबीएस की बात करें, जहाँ पर आपका डेंटल और वेटनरी साइंस का यूज होता है, अगर हम डेंटल की बात करें तो कई लोग सोचते हैं कि यार डेंटल की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं है। आज के एरा में डेंटल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। वहीं पर वेटनरी साइंस आपके एनिमल के हेल्थ एंड डिजीज को लेकर के रिलेटेड होते हैं, तो इन सभी चीजों की आप तैयारी आसानी से कर सकते हो। बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम है, आप इनमें से किसी भी कोर्स की अपनी तैयारी कर सकते हो, अपना फ्यूचर इनमें से किसी भी कोर्स में आप बना सकते हो। अगर हम लोग इनके कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो जनरली ये 4.5 से लेकर के 5.5 इयर्स तक होते हैं, यानी 4.5 साल से 5.5 साल, काफी लंबा ड्यूरेशन होता है। तो आपकी सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री कंप्लीट करते करते 5.5 साल लग जाते हैं। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस की बात करें तो यहाँ पर आपको 5.5 साल लग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री लेने के लिए। बैचलर डिग्री लेने के बाद भी बच्चे फ्यूचर स्टडीज के लिए जाते हैं, पीजी करते हैं, पीएचडी करते हैं, स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं, इन सभी चीजों में आपको फर्दर स्टडीज के लिए जाना पड़ता है। और ये सारे की सारी चीजें आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आगे आप कितना पढ़ना चाहते हो, उतना आगे आप आसानी से बढ़ सकते हो। यहाँ पर एक एक डिग्री की ड्यूरेशन काफी लंबी होती है, तो आप उसी हिसाब से अपना माइंड सेट करके आगे अपनी तैयारी कर सकते हो। एमबीबीएस के एडमिशन के लिए कई सारे कॉलेजेस होते हैं, कुछ गवर्नमेंट होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, बट यहाँ पर यार इंजीनियरिंग की तरह कॉलेज का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है। गवर्नमेंट हो कि प्राइवेट हो, यहाँ पर कॉलेज का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है। इंजीनियरिंग के केस में वहाँ पर कॉलेज का इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी प्लेसमेंट लगने वाली है। अच्छे कॉलेज में, रेपुटेटेड कॉलेज में, गवर्नमेंट
कॉलेजेस में वहाँ पर आपको कंपनी आकर के रिक्रूट करती है, वहाँ पर आपको प्लेसमेंट सेल में बैठना पड़ता है। यहाँ पर यार आपकी कोई भी प्लेसमेंट नहीं होती है, यहाँ पर आपकी कमाई यार आपकी स्किल के बेसिस पर होती है। तो यहाँ पर कॉलेज का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में वेरिएशन आता है वो सिर्फ और सिर्फ फीस को लेकर के आता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कंपैरेटिवली काफी कम फीस होता है, वहीं पर अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो काफी ज्यादा फीस होता है। तो इस चीज का भी वेरिएशन आ सकता है और अकॉर्डिंगली आप कट ऑफ देख करके अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर हम लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो एमबीबीएस के लिए सबसे रिनाउंड होता है आपका नीट का एग्जामिनेशन। नीट का एग्जामिनेशन काफी बच्चे यार आप में से देने वाले होंगे, नीट की तैयारी करते हो या तो फिर जेईई मेंस की तैयारी करते हो, काफी बच्चे इस चीज के बारे में जानते होंगे। नीट के अलावा भी कई सारे एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि आपका एम्स का एग्जामिनेशन हो जाता है, जिपमर का एग्जामिनेशन हो जाता है। इन सभी एग्जामिनेशन के थ्रू भी आपकी एमबीबीएस की एडमिशन की जाती है। वहीं पर अगर हम लोग पैरामेडिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पर आपके बीपीटी, बीओटी, बीफार्म और बीएससी नर्सिंग, ये सारे के सारे कोर्सेज यार आपके पैरामेडिकल साइंस में आते हैं। पैरामेडिकल साइंस बेसिकली आपके मेडिकल साइंस के सपोर्टिंग ग्रुप होते हैं, या आपके मेडिकल को ही सपोर्ट करते हैं। पर गलती से भी इन लोगों को कम मत समझना, काफी रेपुटेटेड होते हैं, यहाँ पर भी आप अपना करियर बना सकते हो, काफी रेपुटेटेड होते हैं, आप यहाँ पर भी अपनी अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हो। बहुत ही अच्छी जॉब होती है, प्रेस्टिजियस जॉब होता है। आप फिजियोथेरेपी में जा सकते हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जा सकते हो, बीफार्म में जा सकते हो, बीएससी नर्सिंग में जा सकते हो। बीएससी नर्सिंग में भी दो अलग अलग कैटेगरी के कोर्सेज यार होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में आप आसानी से रिसर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारी चीजें आसानी से जानने को मिलेंगी। मेन मोटिव इस वीडियो का यही है कि आपको पता चलना चाहिए आखिर आपके पास करियर ऑप्शंस है क्या क्या। करियर ऑप्शंस आपको अगर पता होगा अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी कर सकते हो, आगे रिसर्च कर सकते हो, दो साल अपना इस चीज में यूटिलाइज कर सकते हो कि आपके पास करियर ऑप्शंस क्या क्या है, करियर ऑप्शंस के जरिए आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आपके सामने क्लियर कट इमेज होगा तभी जाकर के आप इन सभी चीजों के बारे में सोचोगे। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग के पीछे भागने से आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला, हर एक चीज के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी जरूरी है। इन सभी कोर्सेज के अलावा कई सारे कोर्सेज होते हैं जहां पर आपके बायोलॉजी और मैथमेटिक्स को हम लोग ध्यान में ना हुए अपने फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका कमर्शियल पैलेट आता है। कमर्शियल पैलेट बेसिकली वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिन लोगों को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, यहाँ पर अच्छे खासी पैसे यार लगते हैं। कमर्शियल पैलेट की एक डिग्री लेने के लिए काफी ज्यादा पैसा लग जाता है, तो अगर आप फाइनेंशियली ज्यादा हेल्दी हो इसको अफोर्ड कर सकते हो तो कमर्शियल पैलेट के लिए भी जा सकते हो। दूसरा आता है यार आपका डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में यहाँ पर आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप टीएस के अंदर जा सकते हो, टेक्निकल एंट्री के अंदर जा सकते हो, इन सभी चीजों के अंदर भी आप जा सकते हो। यहाँ पर आपकी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, काफी रेपुटेटेड होती है, क्लास 12 के बाद आप इसमें जा सकते हो। अब यहाँ पर यार कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे भी जा सकते हैं लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी होनी जरूरी है, इस चीज के बारे में मैक्सिमम बच्चों को पता रहता है। लेकिन अगर आप चाहो तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग खुल के भी डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन आता है यार आपका मास कम्युनिकेशन। इन सभी चीजों के अलावा भी कई सारी चीजें होते हैं, जैसे कि आपका 3D एनिमेशन हो जाता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो जाता है, कई सारे करियर ऑप्शन यार आपके पास अवेलेबल है। लेकिन उन सभी करियर ऑप्शन के बारे में एक ही वीडियो में डिस्कशन कर पाना पॉसिबल नहीं है, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। कई सारे चीजों के बारे में ऑलरेडी इस वीडियो में हमने डिस्कशन कर रखा है, कई सारे चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाया। तो अगर आप उन सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हो, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में एनालाइज करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाने पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा, उस आर्टिकल को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उस आर्टिकल में इन सभी कोर्सेज के बारे में, इनके अलावा भी कई सारे कोर्सेज हैं, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 12 के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां पर जाकर के उस आर्टिकल को जरूर पढ़ सकते हो, आपको जरूर फायदा होगा। अगर आप इनमें से किसी भी चीज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, जैसे कि एमबीबीएस के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, बीएससी के बारे में, किसी के भी बारे में अगर आप चाहते हो कि हम लोग खुलकर डिस्कशन करें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ यार, हम लोग इन सभी चीजों के बारे में खुलकर डिस्कशन करेंगे। एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाकर उन सभी चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कशन करना शुरू कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग कॉमर्स और आर्ट्स, इन दोनों स्ट्रीम के बच्चों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आप लोग कॉमर्स में क्या कर सकते हो, आर्ट्स में आगे क्या कर सकते हो, करियर ऑप्शंस आपके पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, इन दोनों स्ट्रीम को लेकर के हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। खासकर क्लास 10th के बच्चों के लिए, जब आप क्लास 10th के बाद 11th में जाने वाले हो तो आपको प्रीवियसली कौन सी नॉलेज होनी जरूरी है, कौन सी चीजें आपको समझ में आनी जरूरी है, कौन सी चीजों को आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो, उन सभी चीजों को लेकर के भी हम लोग खुलकर डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास 11th और क्लास 12th में आपको कौन सी किताबें फॉलो करनी चाहिए, प्रीवियसली आपको इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में पता होना जरूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम को जाते हो, साइंस में जाते हो, आर्ट्स में जाते हो, कॉमर्स में जाते हो, उन सभी चीजों के बारे में प्रीवियसली हम लोग अच्छे खासे तरीके से नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रह गया हो या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलते हैं, सी हैव अ गुड डे एंड बाय।